20% खुदरा दुकानों पर संकट, 100 दिनों में 15.5 लाख करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। देश में कोरोना महामारी की वजह से पिछले 100 दिनों में रिटेल बिजनेस को लगभग 15.5 लाख करोड़ रुपए के व्यापार घाटे का सामना करना पड़ा है। परिणाम स्वरूप घरेलू व्यापार में इस हद तक उथल पुथल हुई है कि लॉकडाउन खुलने के 45 दिनों के बाद भी देश भर में व्यापारी उच्चतम वित्तीय संकट, कर्मचारियों व दुकानों पर ग्राहकों के बहुत कम आने से बेहद परेशान है, जबकि दूसरी तरफ व्यापारियों को उनके वित्तीय दायित्वों को पूरा करना है। बताया जा रहा है कि केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा व्यापारियों को कोई आर्थिक पैकेज न देने से भी व्यापारी बेहद संकट की स्थिति में है और इस सदी के सबसे बुरे समय से गुजर रहे हैं। मोदी सरकार ने लागू किया नया कानून, नकली माल बेचने वाले दुकानदार को हो सकती है आजीवन कारावास। मोदी सरकार ने सोमवार 20 जुलाई से उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून लागू कर दिया है। बता दें कि इस नए कानून के आने के बाद कंज्यूमर के मसलों को समय पर प्रभावी और त्वरित गति से निपटारा किया जा सकेगा। नए कानून के मुताबिक नकली या मिलावटी सामान बेचने पर अब दुकानदार को 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और कंज्यूमर को 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। सामान्य मामले में कंज्यूमर को 1 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है, लेकिन अगर बेचे गए प्रोडक्ट से कंज्यूमर को किसी तरह का नुकसान होता है तो दुकानदार को 7 साल की जेल और कंज्यूमर को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। यही नहीं, अगर ऐसे सामान की वजह से कंज्यूमर की मौत हुई तो उसके परिजनों को 10 लाख रुपए तक मुआवजा मिल सकता है और दुकानदार को आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। एमएसएमई लोन को रीस्ट्रक्चर करने पर हो सकती है चर्चा, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया आश्वासन। आर्थिक हालात से बाहर आने के लिए एमएसएमई पर निगाह लगाई सरकार के वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भरोसा दिया है कि एमएसएमई के लोन को रीस्ट्रक्चर करने पर भी सोचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आरबीआई से चर्चा कर कोई ऐसा तरीका निकाला जा सकता है जिसके तहत रीस्ट्रक्चरिंग से बैंकों को भी नुकसान नहीं हो और एमएसएमई को भी लाभ मिल जाए। उन्होंने बताया कि एमएसएमई के लिए घोषित फंड ऑफ फंड स्कीम को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीईए ने मंजूरी दे दी है और इसे जल्द ही आरंभ कर दिया जाएगा। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।